मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, किसी भी पल का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे दोस्तों, हम ये भी नहीं जानते कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे जीवन का अंत कैसे होगा और कब होगा, ये कोई भी इंसान नहीं जान सकता। इसलिए जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसे इसी जन्म में प्राप्त करने की कोशिश करें, प्रयास करें, क्योंकि कोई निश्चित ही नहीं है कि अगला जन्म होता भी है कि ना। ये कड़वा सत्य है और सच भी है, इसलिए कि ये हमारे जीवन को एक डायरेक्शन देता है, हमें सच से अवगत कराता है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित भी करता है। मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, हम हर दिन अपने आसपास बदलाव भी देखते हैं, जन्म देखते हैं, मृत्यु देखते हैं। इस संसार में लोगों का आना जाना आप सभी लोग देखते हैं, फिर भी हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, पर्याप्त समय है, और यूं ही हम समय को बर्बाद करते चले जाते हैं। कई बार तो हमें खुद अपनी समय की बर्बादी का एहसास नहीं होता है कि क्या हम वास्तव में समय को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो जीवन है हमारा बहुत अस्थायी है, इस जीवन में हम सभी को इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि समय बहुत ही सीमित है। जो भी सपना, गोल, लक्ष्य या इच्छा हमारे मन में है उसे पूर्ण करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, हमें अभी से प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। किसी अवसर की तलाश नहीं करनी चाहिए, किसी स्पेशल टाइम की हमको इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य सब अनिश्चित है। केवल और केवल हमारे हाथ में है तो वो है वर्तमान। वर्तमान ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, इसलिए समय को देखते हुए आप वर्तमान को अपना यदि मित्र समझेंगे और भविष्य पर निर्भरता कम कर देंगे तो जिस दिन आप समय को पकड़ना शुरू कर देंगे उस दिन देखिएगा कि आप बहुत कुछ हासिल कर ले जाते हैं। बहुत ही कम समय में आप बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लेंगे। अब आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अगला जन्म हो या ना हो, हम अपने अधूरे सपनों को इसी जन्म में पूरा करेंगे। ये हमें आलस और समय की बर्बादी की ओर ढकेलता है। जो मनुष्य ये सोचता है कि मेरा अगला जन्म होगा, वो ये निश्चित रूप से मान ले कि वह आलस और समय की बर्बादी जरूर करेगा, क्योंकि उसको तो ये पूर्ण विश्वास है ना कि इस जन्म में मैं नहीं कर पाऊंगा तो अगले जन्म में करूंगा, भरपूर समय है मेरे पास, तो आलस की नींद सोया रहेगा 24 घंटे। और यदि इस जन्म में प्रयास नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, ऐसी उसकी सोच रहती है। जो निगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, जो सोचते हैं कि हमारा अगला जन्म होगा, हमें अपने जीवन के हर क्षण का यूज करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, हर क्षण का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जीवन में सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्ण करने का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी पड़ता है और उनको निभाना भी पड़ता है। अगला जन्म हो या ना हो, यह जीवन एक अवसर है जिसमें हम अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। समय का सदुपयोग करना सीखिए और अपनी क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाइए, तभी आप एक सफल जीवन जी सकते हैं मेरे दोस्तों। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को सुधार लीजिए,
आलस्य से दूर रहिए, असमंजस की भावना अपने मन में निकाल दीजिए, किसी भी प्रकार का आपके मन में डर ना हो, भविष्य का डर ये समाप्त कर दीजिए और वर्तमान में जिए। जीवन का हर पल आपके लिए अमूल्य है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए इसका सही ढंग से हमें उपयोग करना है। संसार में क्या है कि हर व्यक्ति अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियों बस कभी कभी ऐसा होता है कि वो जिस टारगेट को आपने फिक्स किया था उस टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उससे कम लक्ष्य पर आपको स्वयं को संतुष्ट करना पड़ता है। जैसे कई बार परिवार में हमारी समस्या आ जाती है, कोई परिवार का सदस्य या स्वयं आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो परिवार की बागडोर या जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है। कभी आपका ऐसा भी समय आ जाता है कि आपकी बिना लक्ष्य प्राप्त किए हुए बीच में आपकी शादी कर दी जाती है। तो आपका जो मुख्य लक्ष्य है आपके मन के किसी कोने में दफन रह जाता है और उस लक्ष्य को जब आप प्राप्त नहीं कर पाते, उससे कम लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर निराशा की भावना जन्म लेती है और आप किसी तरह से घिसते घिसते अपनी ज़िंदगी को जीते रहते हैं, लेकिन खुशी से आप अपनी लाइफ को जीते नहीं हैं, इंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि आपने जो सपना देखा था, जो लक्ष्य बनाया था अपने जीवन का, वो आप पूर्ण कर ही नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है कि हम प्लेटफॉर्म ढूंढते रहते हैं कि जो हमारा मेन गोल है उसको हम बाद में पूर्ण करेंगे, पहले इस प्लेटफॉर्म को हम पूर्ण कर लेते हैं। जब आप उस प्लेटफॉर्म पर रुक जाते हो, या जैसे मान लो कोई आपने बड़ी जॉब का सपना देखा, उससे कम जॉब आपको प्राप्त हुई, उसमें आप समय दे रहे हो, सब कुछ तो समय की कीमत है मेरे दोस्तों। समय अगर इंसान के पास हो तो वो धरती आसमान एक कर दे, समय ही तो नहीं है। जब मैं था तो हर नहीं, इसी प्रकार से ये है कि जब समय था तो मैं नहीं था, जब मैं हूँ तो समय नहीं है। तो जब आप बड़े लक्ष्य की अपेक्षा छोटा लक्ष्य आपको प्राप्त होता है तो उसी में जब आप समय उसमें आप जब समय देते हो, उस जॉब को करते हो, तो आप बड़े लक्ष्य के लिए आप तैयारी प्रिपरेशन करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हो, फिर आपको छोटे लक्ष्य में रह करके ही संतोष करना पड़ता है। फिर अपने ख्वाबों को अपने आप सोचने लगते हैं कि इन ख्वाबों को, जो मेरे ख्वाब हैं वो मेरे बच्चे पूर्ण करेंगे या परिवार रिश्तेदार का कोई बालक पूर्ण करेगा। तो कई, यदि आप अध्यापक हैं तो आप सोचते हैं कई मेरे शिष्य इस ख्वाब को मेरे पूर्ण करेंगे, लेकिन इस हकीकत को आपको मानना पड़ेगा कि आप तो नहीं कर पाए ना पूर्ण, उसके लिए दोषी आप खुद हैं, क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म ढूंढा था। अगर शुरुआत से ही आपने समय की कीमत समझी होती, समय को बर्बाद ना किया होता, तो आप भी अपने जो बिग ड्रीम आपने देखा था उसको प्राप्त कर सकते थे। उसके लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल आप स्वयं हैं और कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो कुछ भी आपको समय अभी मिला है, उस समय को यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि हो सकता है कल आपको ये समय ना मिले। आपके पास सारी सुविधाएं हों, धन संपन्नता हो, किताबें पुस्तकें सब, कोचिंग मटेरियल सब कुछ उपलब्ध होगा, लेकिन आपके पास समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने समय आपने गंवाया है, समय को डिस्ट्रॉय किया है आपने। एक समय आप अपने जीवन के पिछले पन्नों को पलट कर देखिए तो आपने समय को डिस्ट्रॉय किया है। अब समय तो वह बदला लेगा ना, आपको भी डिस्ट्रॉय करेगा। आप समय के लिए तरसोगे कि काश मुझे पढ़ने के लिए 6 घंटे मिल जाए, वो आपको 6 घंटे नसीब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी तो आपको समय देना है। अब आपके ऊपर आ गई एकदम से जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब कोई आपसे ये तो नहीं कह देगा ना कि आपके आपका खर्च मैं पूर्ण करूँगा, स्वयं आपको करना पड़ेगा। अब इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत लंबा समय है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा,
ये सोचना बंद कर दीजिए। इस साल अगर मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई क्रैक नहीं कर पाया तो अगले साल कर लूँगा क्रैक। ये जो दिन पे दिन समय निकलता जा रहा है ना मेरे दोस्तों, परीक्षा का पैटर्न भी चेंज होता है, परीक्षा का सिलेबस भी चेंज होता है, हर समय एलिजिबिलिटी भी चेंज होती है, उम्र सीमा घटती बढ़ती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मेरे दोस्तों तो याददाश्त क्षमता भी घटती जाती है, हमारा किसी चीज़ में पढ़ाई में मन भी कम लगता है, क्योंकि सब ऊर्जा का खेल है। याद करिए आप पिछले दिनों को, जब आपने तैयारी प्रिपरेशन शुरू की होगी ग्रेजुएशन करने के बाद, उस समय आपका कितना मन लगता होगा, बहुत एकाग्रता रहती होगी, पढ़ने का खूब मन करता होगा। अब आज समय ऐसा होगा, आप यदि 30+ होंगे तो आज समय ऐसा होगा कि आपका पढ़ने का कतई मन नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्शन का शिकार होंगे, क्योंकि आपका माइंड भटकेगा इधर उधर इधर उधर, ये कर लें वो कर लें, ये बिजनेस कर लें ये पढ़ाई कर लें। तो जितने मतलब आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो उतना ही आप डिस्ट्रैक्शन के शिकार होते जाओगे, आपका मन बहुत भटकेगा। इसलिए जो समय आपको मिला है, जिस समय पे जो करना है उसी समय पे आप कर डालिए। आप सोचें कि मैं 25 साल की उम्र में 25 साल का जो काम है वो मैं 45 साल में करूं या 40 साल में करूं तो कैसे संभव है, नहीं है ना संभव, असंभव कार्य है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, समय को बर्बाद मत करो, ये मत सोचो कि अगला जन्म होगा, सब कुछ छोड़ दो, नाते रिश्तेदार सब छोड़ दो, अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो बस किताबें और तुम, और जो तुमने ड्रीम बनाया है अपने जीवन में उससे कम पर यदि तुम संतुष्ट हो रहे हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। जो आपकी योग्यता है उसके अनुरूप यदि आप काम नहीं कर रहे हो तो आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस बात को यकीन मान लीजिए। जो लक्ष्य आपका है उससे कम पे कभी सेटिस्फाई नहीं होना मेरे दोस्तों। थैंक यू।